नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बांगरमऊ उन्नाव नगर एवं क्षेत्र में ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बकरीद की नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन और भाईचारे की दुआ की गई। तत्पश्चात एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी गई। इसके बाद लोगों ने घर जाकर सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी की रस्म अदा की। नगर के पश्चिमी छोर पर स्थित ईदगाह में काजी शहर इमाम ईदगाह सैयद जिया उल आरफीन ने हजारों लोगों को ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। इस दौरान नायब इमाम ईदगाह मौलाना फैसल बिलाल जामई ने कहा कि कुर्बानी इब्राहिम अलैह की सुन्नत है, साहिब निसाब के लिए इस सुन्नत को अदा करना वाजिब है। उन्होंने कहा कि हम वतन भाइयों की भावनाओं का ख्याल रखकर तथा हुकूमत की गाइडलाइन के तहत ही कुर्बानी की रस्म अदा की जाए। नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन और भाईचारे की दुआ की गई। तत्पश्चात ईदगाह के बाहर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। ईदगाह के बाहर चेयरमैन रामजी गुप्ता, सपा नेता डॉक्टर मुन्ना अलवी, मुफीज अहमद के अलावा नगर पालिका और तहसील प्रशासन ने भी शिविर लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। ईदगाह में कमेटी के सदर हाजी लईक, नायब शहज काजी हाफिज फिरोज, मौलाना अब्दुल रहमान अंसारी, पूर्व चेयरमैन इजहार खान, मौलाना अरमान सिद्दीकी, मोहम्मद खालिद कुर्बान अली, डॉक्टर इरफान इसरार खान, सभा सदवर डॉक्टर संगीर अहमद आदि सहित हजारों लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। सीओ अरविंद चौरसिया व कोतवाल राजकुमार भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इसी तरह कस्बागंज मुरादाबाद में ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसके अलावा ग्राम मऊ, सुरसैनी, आसद भटियापुर, अतरदनी, हरियारवर, रूरी, सादतपुर, कांटा गुलजारपुर, चरतेरा, जोगीकोट, रसूलवापुर, शीतलगंज, हयातनगर, चहोलिया, फतेहपुर हमजा, मदारपुर, खभोली, खालसा, रघुरामपुर, नेवल, सिरधरपुर, आम आलमऊ सराय, दरियापुर, नौबत, मदार नगर, जमादारपुर व आदि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।